हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयालज फिर आपका स्वागत करती हूँ डिलीशियस की एक और न्यू और ज़बरदस्त वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि बच्चों की है बहुत ज़्यादा फेवरेट और बच्चों के साथ बड़ों की भी। और फ्रेंड, इसे आप जब भी आपका दिल करे आप इसको बना के खा सकते हैं, क्योंकि यह है बिल्कुल ईजी रेसिपी, फटाफट से बनने वाली और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, और इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच बटर, क्योंकि बटर से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई अनियन, तो 2 मैंने यहाँ पे लिए थे प्याज मीडियम साइज़ के। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 गाजर, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था, और 1 डालेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। और इन सभी चीज़ों को हम बटर के अंदर भूनेंगे, और जो गैस का फ्लेम है उसे हम रखेंगे मीडियम। अब फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, और अगर आपको गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, जिंजर पाउडर की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे रखा है। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके अंदर नमक, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिली फ्लेक, और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल की हुई अपनी हमारी मैक्रोनी, या अगर आप मैक्रोनी की जगह यहाँ पे पास्ता लेना चाहें किसी भी शेप का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने बॉईल करके और पानी से निकाल के इसमें डाल दिया है, तो साइड में मैंने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी की जो क्वांटिटी है वो ली थी मैंने 100 ग्राम, तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मैक्रोनी ली थी। और फ्रेंड्स, अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ, क्योंकि ये हमारा 1 स्टेप तैयार हो चुका है। और हम लेंगे 2 पैन, और इसके अंदर हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो वापस से मैंने यहाँ पे लिया है बटर, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बटर यूज़ किया है, और 2 चम्मच ही हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा। और जो फ्रेंड जो रेशियो है आपको यही रखना है, अगर आप 1 चम्मच बटर ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच मैदा लें, अगर आप 4 चम्मच बटर ले रहे हैं तो 4 चम्मच मैदा लें। और इसको बिल्कुल हमने लो फ्लेम में भूनना है बटर के साथ, जो हमारा मैदा है, जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल भी जो रो वाला फ्लेवर होता है, रो फ्लेवर, वो बिल्कुल भी ना रहे। और इसको तब तक हमने भूनना है जब तक कि इसके अंदर से खुशबू ना आने लग जाए, तो 3 से 4 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मैदा है अच्छे से भुन चुका है, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध, और जब हम दूध को ऐड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और जितने भी इसके अंदर लम्स हैं इनको हम अच्छे से स्मूथली हटा देंगे, इनका एक बढ़िया गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे दूध को मैदे के अंदर, और एक भी लम्स इसके अंदर ना रहने पाए। और इस समय गैस का फ्लेवर बिल्कुल रखना है हमको लो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा ग्लास दूध यहाँ पे डाला है, तो दूध की क्वांटिटी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो पेस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने जो हमारी मैक्रोनी उसमें भी डाला है। और 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम इसके अंदर चिली फ्लेक। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो, और इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
और ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मैक्रोनी जो कि हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स फाइनली इसको हमने और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है ये थोड़ा सा चीज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये व्हाइट सॉस वाला जो मैक्रोनी है बन के आया है, कितना ज़बरदस्त ये दिख रहा है और ये खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी है। और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए आप नीचे लिंक में मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, चाहे वो इंडियन स्ट्रीट फूड हो चाहे वो आपका चाइनीज स्ट्रीट फूड हो, तो आप वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको घर में यूज़ होने वाली किचन में यूज़ होने वाली जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती है, यूज़फुल वीडियो होती हैं, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा पेज है कुक डिलीशियस के नाम से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।